जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। गुरु बाबा जी की जय। बोले सर। हाँ जी सर, हमने यहाँ एक हमारे प्रयागराज में है तो सर यहाँ। हेलो। हाँ जी सर, हम प्रतापगढ़ से बोल रहे हैं और इलाहाबाद में हमने मेडिकल करवाने के बाद बैंक में गए थे। तो वहाँ से हमने अपना दे दिया डॉक्यूमेंट जो था, तो वो बोले कि आपके पास हम फोन करेंगे, 3-4 दिन बाद आना, परमिट ले जाना। ठीक है। तो सर हम 4 दिन बाद दोबारा गए उनके पास, तो वो कह रहे हैं कि अभी नहीं आया, वहाँ से कुछ दिक्कत है, आप जाके निश्चिंत रहिए, आपको आपकी डेट हमने लिख रखा है, हमने 10 तारीख के लिए परमिट मांगा है उनसे। अच्छा। तो 10 को खाली था। तो बोले ठीक है, आपको लिख दिया हमने, आप जाके रिजर्वेशन करवा लीजिए ट्रेन का, आपको कंफर्म है, समझ के समझ रखिए। तो सर इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? सर ये तो बैंक का वो कह रहे हैं कंफर्म है, कल को उन्होंने परमिट नहीं दिया तो वही तो सर, इसीलिए तो दिक्कत, वही पूछ रहे हैं कि आपकी सर कैसे गारंटी ले सकता हूँ, आप सोचिए ना, मैं आपको कह दूं कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं उनको जानता नहीं, मुझे पता नहीं है, तो कैसे यहाँ भर लूं इस बात की। तो सर इधर उस बैंक में प्रयागराज में बैंक, तो 10 तारीख का परमिट तो ऑनलाइन भी मिल रहा है, आपने ऑनलाइन क्यों ले लिया? तो सर क्या करें, वहाँ तो हमने 120 रुपए की पर्ची भी कटवा रखी है अपना, जो उसमें बैंक ये नहीं कह रहा है। क्या करें, मेरी बात सुनिए ना। हमने इतनी वीडियो बना के डाल रहे हैं, ऑनलाइन जब परमिट मिल रहा था तो बैंक वाले डिले कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर देना चाहिए था। तो सर ऑनलाइन तो कर रहे थे, उसमें तो वही पेमेंट का प्रोसेस जो लंबा दिखा रहा था, उसमें आगे बढ़ ही नहीं रहा उसमें। सर हमने कोशिश की, 3-4 दिन के अंदर आ जा रहा है, सबके परमिट बन रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 100 में सर क्या करें, वहां से अपना ले लें फिर ये वाला सर्टिफिकेट। मैं कैसे किसी को काउंटर कर सकता हूँ कि बैंक वाले गलत कह रहे हैं? मैं तो आपको आसान रास्ता बता रहा हूँ कि जब ऑनलाइन ऑप्शन था तो वहाँ ऑनलाइन करवा लेते। और आपके पास मेडिकल का फोटो वगैरह है अपना? हाँ सर, पूरा सर्टिफिकेट तो हमने बनवा रखा है। अच्छा, पर्ची आपने वहाँ भी बनवा लिया, वहाँ भी बना लिया। चलो बैंक वाले अगर कह रहे हैं, श्योरिटी दे रहे हैं कि 100% दे देंगे, उन्होंने कहा है ना 100% दे देंगे, हाँ, तो विश्वास कर सकते हो फिर आप, क्या करें। लेकिन सर अब चक्कर क्या है ना, आप ऑनलाइन भी करेंगे फिर आप एक टिकट खराब करिए, उन्होंने बाद में मना कर दिया, तो 120 रुपए उसने वैसे 120 रुपए उन्होंने आपके उसमें दे रखा है, ट्रांसफर कर दिए होंगे, ये फीस है वहाँ की। किसकी? उसमें जो बैंक में फीस नहीं लगती इसकी, हाँ, तो परमिट के लिए तो मुझे तो पर्ची करके दे रखा है हमें, तो मुझे कोई ट्रांसफर करेंगे वो? मैं तो वहाँ तो किए होंगे साइन बोर्ड में। हाँ साइन बोर्ड में किए होंगे ना, हम तो यूट्यूब चैनल है हमारा तो। हाँ तो सर वही मतलब, वहाँ तो उन्होंने कर ही रखा, तो वैसे तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा तो पैसा वहाँ पहुँच चुका है यात्रा का। मैं इस बारे में ना कुछ नहीं कह सकता हूँ कि यात्रा पैसा वहाँ थोड़ी पहुँचता है, पैसा ये जमा करते हैं अपने पास चालान काट के, साइन बोर्ड को बाद में देते होंगे, पर अगर वो हाँ भर रहे हैं कि पक्का दे देंगे तो दे देंगे, और परमिट तो उनके पास आ गए होंगे, जब तो शुरू की डेट के फुल हुए, तो परमिट नहीं आए तो शुरू की डेट के कैसे फुल होते? तो 10 तारीख के परमिट भी होंगे, तो 10 की पूरी खाली थी। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, कल जाके बात कीजिए उनसे कि सर ऐसे से मैंने टिकट विकेट बुक करा लिया, मुझे परमिट जरूर दे दें, क्योंकि मैं आपको ऑनलाइन का बोलूंगा तो ऑनलाइन में भी किसी ना किसी यात्री की सीट खराब हो जाएगी ना बेचारे की। तो इसलिए आप वहीं से बैंक से ले लीजिए, विश्वास कीजिए, ठीक है, थोड़ा रुक जाइए उनके। नहीं वही तो कह रहा हूँ, उन्होंने बोला कि आप रिजर्वेशन करवा लीजिए, आपको पक्का हो गया, हमने रजिस्टर नहीं लिख रखा 10 तारीख की डेट का। जी ये उन्होंने कहा तो आप उनको भरोसा करना पड़ेगा ना थोड़ा आपको। हाँ और क्या कह सकते हैं इस बारे में बताओ। बस वही है ना, 5 दिन के लिए बोले थे, दोबारा गए तो ये बात बोल दी है, तो बोला ठीक है, इसीलिए हमको एक बार बात कर लें सर से कि कोई नहीं, इसका कोई ऑप्शन नहीं है सर, और बैंक वाला अब कोई आदमी कुछ कर रहा है उसके बदले में क्या जिम्मेदारी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।